ट्वेंटी टू में हुई है खबरें सुनाई दे रही है ठीक है थीक है हाँ। दो साल से किसी के घर में कैंसर पेशेंट एक जा चुका दूसरा कोमा में था दस दिन टोटल अनकॉन्शियस तुम लोग मरो हमने इसके लिए सोचा ही नहीं प्लानि नहीं किया ऐसा तो नहीं बोल सकती सरकार वो खाँसती थी मेरी रात में नहीं खुल जाती थी क्या कैंसर ऐसी बीमारी है जो दुश्मन को बिताओ कोविड के टाइम पे घर पे थे और बहुत अच्छा लगा वो टाइम क्योंकि घर वालों के साथ बहुत समय मैंने बिताया दो हजार की वैल्यू आज समझ में आती है मुझे उस टाइम नहीं आती थी उस टाइम लगता था कहाँ फंस गया यार कब जाऊँगा बाहर नहीं 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 कब जाऊंगा बैंगलोर पार्टी घूमेंगे फिरेंगे नाइट आउट ये वो दो ये कोविड पहली वेव निकल गई दूसरी वेव में मैं बैंगलोर आ गया था तो थैंक गॉड ऊपर वाले कृपा से कहीं कोई डैमेज नहीं हुआ आसपास फैमिली में बट उस टाइम पे ट्रेडिंग मेरी थोड़ी सी ऊपर नीचे थी जान का खतरा जान बचाओ या पैसे बचाओ या पैसे बनाओ बहुत कुछ चल रहा था लोगों की लाइफ में तो 2020 मेरा ठीक ठाक था आई आई वॉज इन प्रॉफिट आई स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम माइनस टू प्लस ऑलरेडी 19 से तो इसमें थोड़ा सा डिसेंट प्रॉफिट बनाया बीस इक्कीस ट्वेंटी आ गया ट्वेंटी में सेकेंड वेव आ गई कोहराम सेकेंड वेव में अगेन ट्रेडिंग मेरी थोड़ी सी बिगड़ना शुरू हो गई थी आई डोंट नो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि घर से मैं जो बाहर आया काफ़ी ग्यारह बारह महीने रहने के बाद तो मुझे थोड़ी सी जब सेकेंड वेव आई थोड़ी बेचैनी घबराहट आई वॉज लाइक टू स्ट्रेस्ड एंड टू बाहर चल रहा था उसके बाहर चल रहा था देख के मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा था मैं सब आप, था। आप सोचो आप स्कूल के बाद ट्वेल्थ के बाद पहली बार मुझे घर पे रहने का मिल रहा है मौका एक साल ग्यारह महीने रहा अब बाहर आया हूँ यहाँ तबाही मची हुई है खबरें सुनाई दे रही है रोज, रोज पूछ रहे हैं घर पे सब ठीक है ठीक है हाँ और ये मोहल्ले में ये हो गया वो हो गया मतलब आई वॉज लाइक टू रेस्टलेस क्योंकि जान की कीमत तभी समझ में आई है दुनिया को मतलब मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को समझ में आई है जो हम लोगों की जनरेशन पुराने वाले थे तो उनको तो थी ही लेकिन जो ये वाले थे जो

फिर अगस्त सितंबर से फिर से थोड़ा सा ठीक ठाक किया और वो ईयर अपना प्रॉफिट में अपन ने एंड किया बट 2021 खत्म होते होते अपनी ट्रेडिंग अच्छी हुई चीज़ें सुधारी फिर से क्योंकि दो साल कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया हुँ. पहले पैसे की कीमत समझी थी अब जान की कीमत भी समझ में आ गई थी और आई वॉज़ वेरी थैंकफुल कि यार सब कुछ ठीक है परिवार में कोई दिक्कत नहीं है प्रॉफिट में आ गया हूँ कुछ पैसे भी आ गए हैं एंड बाई दैट टाइम आई वॉज आउट ऑफ माई लॉस जो माइनस था माइनस से आई वॉज इन फ्लैट टू प्लस कितना प्लस था आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट मैं प्लस में आ गया था और ट्वेंटी टू में विच आई नेवर इमेजिनड ठीक है एंड ट्वेंटी टू में जब मैं बैंगलोर में था तो मैं बीच में मेरे पापा की तबीयत खराब हुई तीन महीने तो मैं घर चला गया था ये ट्वेंटी वन के लास्ट में दिवाली के टाइम पे तीन महीने में घर पे था ढाई महीने ग्यारह महीने घर में रहने के बाद एक घर का जो अटैचमेंट था एक प्यार था एक लगाव था बहुत बढ़ चुका था और मार्केट में एक मेचोरिटी भी मेरे अंदर आ चुकी थी कि लाइफ में स्टेबली काम करना है बहुत बचपना वाला काम करना तो है उछल कूद नहीं करनी क्या था ना मेच्योरिटी जो चीज है वो आपको थामे रखेगी ठहराव रखेगी है नहीं करेंगे करेंगे अगली करेंगे। कल शांति मजा आ जाता अभी वो नहीं था वो कंट्रोल आ गया था वही बोला ना सेंस ऑफ मेच्योरिटी लालच कम हो चुका था तो ये सब चल रहा था तो पापा की तबीयत खराब हुई मैं दो ढाई महीने वहां रहा फिर उसके बाद मैं वहां से पापा तो, तो थोड़ा सा मैं घबराया था मम्मी बहुत घबराई हुई थी कि पापा को क्या हो जाएगा क्योंकि नाक से खून निकला था कुछ ब्लड प्रेशर इशू एंड ऑल दैट था तो इट वॉज़ ए न्यू फॉर अस एंड सडनली सुबह चार बजे उनके नाक से खून थल थला के निकलने लगता था ब्लड प्रेशर को नशे फट जा फट जाती हैं वो तो वो सब इशू देखा मैंने अंदर से मैं बहुत सहम गया था दैट वॉज ट्वेंटी ट्वेंटी वन अक्टूबर नवंबर नवम्बर की बात है तो था पंद्रह दिन का ही प्रॉब्लम लेकिन फिर मैं रुका कहते हैं ना कि आप नहीं नहीं हिम्मत हो पाती कि जा नहीं के पाते। चलो मैं गया फिर दो ढाई महीने बाद वापस तो मेरे लिए कभी भी मेरा कर्म मेरा जो कर्म था कभी भी परिवार से बड़ा नहीं था मैंने आर्मी जब छोड़ी तो भी मम्मी की बात थी कि दोनों बेटे चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा यहां भी वही बात थी यहां पे एक और पार्ट ऑफ स्टोरी है विच आई नेवर टोल्ड टू एनी वन इन पब्लिक कि जब वो अक्टूबर नवंबर की बात चल रही थी उसी टाइम पे हुँ. मेरी जो भाभी हैं मेरे भैया हैं आर्मी ऑफिसर हैं सीनियर ऑफिसर हैं मेरी भाभी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था ब्लड कैंसर एंड शी वाज लूजिंग वेट उनको फीवर रहता है कैंसर का एक बहुत कॉमन एक वो रहता है सिम्टम कि आपको फीवर आते रहते हैं लगातार आते रहते हैं आपको थकान लथार्जिक और ये सब और वेट कम होने लगता है आपकी स्किन जो होती है सिकुड़ने लगती है झुर्रियाँ थोड़ी सी आने लगती है तो मैं गया भी था मिलने जलंधर में था उनसे मिला भी था उस टाइम पे भी उनकी थी लेकिन टेस्ट में क्लियर नहीं आ रहा था तो शी वॉज हैविंग कैंसर ब्लड कैंसर अब क्लियर नहीं है अभी तक डॉक्टर्स को कि जब कैंसर क्लियर हो जाता है कि क्या करना है तब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होता है उनके टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं उनकी हालत डाउन होती जा रही है और जनवरी फरवरी की बात है मैं बेंगलोर में था और मैं बैंगलोर में मतलब घर से पापा के उसके बाद मैं गया हूँ और उसके बाद एक डेढ़ महीने रहा ही हूँ कि तभी अचानक से कजिन्स वही लोग का कॉल आता है बोलते हैं कि तुम्हें तो मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है मैंने कहा तबीयत ख़राब ही तो रोज़ बात करती हैं मेरे से तो ख़राब क्या है मैंने पूछा क्या क्या दिक्कत क्या है बोले नहीं उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है दिक्कत है उनको बोलने में बोलने में दिक्कत है क्या है और उसके कुछ ही महीने पहले जब मैं पापा के टाइम पे गया था उसमें जब बीमार थे तो उनकी मैंने स्किन देखी मैंने मम्मी ये क्या हो गया है आपके स्किन में झुर्रियाँ क्यों पड़ गई हैं तो बोलती हैं अरे वो मेरे को वो है पथरी है डॉक्टर बोला है निकाल देंगे ठीक हो जाएगा अभी नहीं करेंगे फिर करेंगे अभी तो पापा का चल रहा है ठीक हो जाए फिर मैं अपना दिखा लूँगी मैंने मुझे भी लगा यार हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें एक नजर के बाद तीन नजर चार नजर देखने का टाइम नहीं होता परिवार वालों को तो मैंने भी सोचा ठीक है तो मैंने भी इग्नोर किया और नहीं हम लोग गए थे एक ज्वेलर के यहां तो जस्ट तो तो मैंने भी इग्नोर किया मैंने भी इग्नोर किया उसको और <coughs> मैंने बोला मम्मी को ठीक है दिखा लीजिएगा मैं एक आध महीने में आऊँगा वापस से तो कर लेंगे इलाज इसका करा लीजिए मैंने बोला उनको करा लीजिए आप जो लगेगा पैसा क्योंकि तब तक मेरे पास पैसे थे आने लगे थे तो मैंने बोला करा लीजिए आप इलाज उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं अगले महीने ये तो ऐसे ही होते हैं घर वाले अपने परिवार वाले तो हमने भी कहा ठीक है अब ढाई महीने हो गए थे मुझे तो मैंने कहा मुझे जाना है तो पानी ले पानी ले लेते तो तो हुआ क्या कि मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप करा लीजिए इलाज उन्होंने कहा नहीं नहीं हो जाएगा तो मैं मुझे भी लगा दो ढाई महीने हो चुके हैं अब मुझे आ, काम भी है बेंगलोर में क्योंकि मैं दो ढाई महीने से बैठा हूँ अब यार देखो जॉब में जब थे तो बॉस था अभी हम बिजनेस में हैं हम खुद के बॉस हैं तो हमें लगता है कि यार दस दिन और रहना है रह लेते हैं। कौन सा बॉस कुछ कर लेगा वीडियो कहीं से भी बना लेता था तो मेरे को तो देखे ही हो मैं तो सीढ़ी में जंगल में खेत में पेड़ में चढ़ के कहीं से भी वीडियो बना देता तो पीछे गाय है बह आई डोंट केयर बिकॉज मुझे कभी ये लगा नहीं कि लोग मुझे जज करें या ना करें मुझे नहीं फर्क पड़ता वीडियो की क्वालिटी के लिए क्वालिटी मुझे मुझे देखने के लिए देख रहे हैं तो मैं वो दिखाऊंगा तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं चला गया जनवरी आई थिंक आ गया था मैं चला गया वापस से बैंगलोर मैं बेंगलोर गया हूँ और तुम बिलीव नहीं करोगे वहाँ जाते ही हमने कहा चलो अब आ गए बेंगलोर अब यहाँ पे थोड़ा स्टेबल करेंगे अच्छे से काम करेंगे वीडियो अच्छे से बनाएंगे सब कुछ सेटअप वेटअप ख़रीदा ये सब जैसे चीज़ें होती हैं ना खरीदना शुरू किया एक महीने के अंदर hmm. तभी वो फ़ोन आया भैया का कि, <coughs> कि मम्मी की तबीयत ख़राब मैंने कहा अभी तो मैं आया हूँ एक महीने पहले ठीक थी लेकिन दैट्स द क्वालिटी ऑफ कैंसर थिंग कि वो बहुत एग्रेसिव होता है बहुत धर 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 मतलब इट्स लाइक एस टन पूरी गोलियां उतारता है इंसान पे पर uh, मैंने कहा कि यार क्या हुआ है मैं तो अभी आया हूँ कैसे आऊँगा मैंने कहा अब यार देखो अंदर से लगता है ना कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं होंगी वी होप कि नहीं चीज़ें इतनी बुरी नहीं है तो मुझे लगा नहीं होगी इतनी बुरी मैंने बोला हो गया आता हूँ दो चार दिन में अभी तो आया हूँ एक महीने पहले उन्होंने बोला नहीं अर्जेंट है मैंने कहा ऐसा क्या अर्जेंट है फिर मैंने फ़ोन किया वीडियो कॉल किया तो उनका गला थोड़ा सा सूजा हुआ था तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे भी लगाया ठीक है जो है तो है अब क्या कर सकते हैं उन्होंने बोला नहीं इनको अर्जेंट ले जाओ और हमारे सतना में हम रहते हैं सतना छोटा शहर है वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी इतनी है नहीं आ, बेसिक टेस्टिंग करके बुखार मलेरिया जॉन्डिस टाइफाइड इतना ही बता पाते हैं इसके ऊपर हुआ तो बस दवाई लीजिए तीन दिन बाद फिर आइए फिर सात दिन बाद फिर आइए यही करते रहते हैं खेलते रहते हैं चक्कर शुरू हो जाओ चक्कर डॉक्टर का जो रहता है तो मैं बोला नहीं तुरंत वो बोले नागपुर मैंने बोला नहीं मैं इंदौर आता हूँ इंदौर मुझे पता है थोड़ा तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ मैंने यहाँ से इंदौर की फ्लाइट कराई और वहाँ से उनका ट्रेन कराया अगले दिन अगले दिन जस्ट नेक्स्ट डे जहाँ मैं चार दिन की बात कर रहा था मैं मतलब आप आप आज रह रहे हो आपको पता है ना कल कुछ प्लान है परसों कुछ प्लान है हुँ. है ना ट्रेडर बोलता है मुझे पता है अगले हफ़्ते एक्सपायरी है उसके अगले हफ़्ते फेड है उसके अगले हफ्ते ये है उसके जस्ट पहले अगर कुछ आ जाए तो क्या है तैयार हो तो मतलब चीज़ें इतनी सडन हो सकती हैं आपकी लाइफ में आपको पता भी नहीं चलेगा मैं यहाँ से गया सीधे तो इंदौर पहुँचा वहाँ पे हॉस्पिटल में मैंने टेस्ट कराया इनका और जब मैंने दोस्त को बताया ऐसा ऐसा है उसने सीधे बोला ये कैंसर है बिना देखे दोस्त मेरा एक था डॉक्टर था तो उससे मैंने बात की यार ऐसा ऐसा हो रहा है इनको आवाज़ नहीं है इनको थायरॉयड है ऐसा वैसा तो उसने बोला सॉरी बट मुझे लग रहा है ये कैंसर है बिना टेस्ट के उसने सीधे कह दिया कॉल पे ही बता दिया हाँ दोस्त ने नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता ऐसे थोड़ी होगा गया कैंसर वैंसर उनके तो ये हुआ है उसने बोला आई होप ना हो बट टेस्ट करा लेना फिर टेस्ट हुआ उसका वो पार्ट निकाल के भेजते हैं वो टेस्ट हुआ टेस्ट में तीन चार दिन बाद आ गया भाई इट इज़ एना प्लास्ट कार्सिनोमा द मोस्ट डेंजरस कैंसर विच क्योर एवरेज लाइफ सिक्स मंथ एंड एक होता है पैनक्रियाटिक कैंसर जो जो उसको था स्टीव जॉब्स को हुँ. उसका कोई क्योर नहीं है और इसका कोई क्योर नहीं है। ये दो कैंसर है जिनका कोई क्योर नहीं है एन एवरेज लाइफ भी बहुत ज्यादा नहीं है मैंने कहा है यार मतलब इट वॉज लाइक सडनली ये क्या हो गया मतलब कहाँ से अर्श मतलब अर्श से फर्श तक आ गई पूरी जिंदगी और वापस से एक बार और वापस से एक बार और इस बार ऐसी चीज है जिसका ऊपर तो फैमिली के ऊपर आ गया एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई वाज नोबडी इज प्रिपेयर्ड ऑफ खुद की बात होती है तो आदमी झेल लेता है नहीं कहते है कि साला ये सोसाइटी के लिए कैंसर है हुँ। हुँ। मतलब कैंसर ऐसी बीमारी है जो दुश्मन को भी ना बिना ठीक है मैं तो सकते में घर पे अब बताऊं तो बताऊँ किसे इलाज तो कराना पड़ेगा इलाज होगा तो इनको पता चलेगा तो इनको क्या बोलूं? अब मैं, मैंने बोला मम्मी ऐसा ऐसा है कुछ टेस्ट ट्रेस वेस्ट होंगे एक होती है रेडियोथेरेपी ऐसी होती है हो जाएगा ठीक हो जाएगा कुछ नहीं बोली क्या है क्या है सब पूछते रहें क्या है क्या है क्या है ज्यादा बात हमने फैलने भी नहीं दी कि चीज़ें लेकिन हमें हो देखो एवरी नो वन एक्सेप्ट कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाएगा छः महीने में क्योंकि और बिलीव नहीं करोगे पांचवे महीने तक एवरीथिंग लुक्स ओके थिंग मैंने उनको भेजा था वहां क्या कहते हैं घर uh, रेडियोथेरेपीज खत्म हो गई उसके बाद उनका कीमोथेरेपी एक दो चार हुए और उनको भेज दिया और उसके बाद वो घर चली गई तीज था यही महीना था अभी तीज था तीज इसी महीने तीज भी उन्होंने व्रत रखा था सोचो किया तो चीजें ठीक हुई रक्षाबंधन में भाई लोग आए सारे राखी बांधी ये सब किया उन्होंने और अचानक से उसी टाइम पे हम लोग शायद दुबई भी गए थे कोई इवेंट था उसके बाद में जैसे ही आया तो मम्मी बोली कि ये हमको कुछ लग रहा है अजीब लग रहा है ऐसा लग रहा है कुछ बोला उन्होंने मैं बोला मैं आ रहा हूँ बस घबराइए नहीं मैं आ रहा हूँ तो उनकी उनके रिएक्शन से मैं फिर से बहुत डिसकंफर्ट में चला गया कि यार अभी तो गई है ऐसा क्या हो गया और इन टेन डेज इन टेन डेज उनके थाइज में एक बहुत बड़ा मास का वो बन गया था मतलब जो गले का उनको था, था थायराइड में पहले एक होता है ग्वाइटर जो घेंगा हो जाता था की कमी से बहुत हुँ पहले बच्चे थोड़ी सी वो अनडेवलप्ड पैदा होते थे तो वो प्रॉब्लम के कारण उनको घेंगा था दो बड़े बड़े तो वो घेंगा अगर आप सही टाइम पे ना निकालो तो इट कैन बिकम कैंसर एंड इट इज़ ऑल वेल नोन थिंग लेकिन डॉक्टर अपने हाथ देयर इज नो सेंस ऑफ की किसी की जिंदगी बच जाएगी आएगा तो पैसा फीस लेके मैं बता दूंगा ना hmm. पब्लिक में कोई या जानकारी है ये कि अगर कोई भी गांठ होती है किसी भी लेडीज के इट कैन बिकम कैंसर दिस शुड बी ए पब्लिक नोन थिंग लेकिन कोई बताता है क्या पाँच कितने सीटें हैं लोकसभा पाँच सौ हमारे फाइव फोर्टी समथिंग डू वी है कैसे टेस्ट होगा मलेरिया है डॉक्टर्स है, है, अपना काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा या फिर सरकार अपना काम नहीं कर रही है कि हर जगह पे होना चाहिए आज के समय में मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाया हूँ छह सात महीने मुझे पता है आठ साल दस साल की बच्ची उसके कैंसर है किसके नहीं है कई लोग को तो पता भी नहीं है चले गए वो कैंसर से तो किसका काम है कि डिटेक्शन के लिए मशीन लगाए एटलीस्ट इतना हक तो बनता है ना कि एक संसद सीट में अगर आ, दस लाख वोट्स होते हैं तो वो दस लाख का एक तो फर्ज बनता है कि उनके पास एक टेस्टिंग मशीन एक हो एक मशीन तो उनका हक तो बनता है जब सांसद विधायक बीस तीस करोड़ में खरीदे जा सकते हैं तो एक मशीन तो हो सकती है ना पाँच साल में उसको ऑपरेटिंग जो भी एक्सपेंस लगा लो लेकिन ये फर्ज है मेडिकल चीज़ आप ही नहीं बोल सकते कोविड आ गया तुम लोग मरो हमने इसके लिए सोचा ही नहीं प्लान ही नहीं किया ऐसा तो नहीं बोल सकती सरकार तो मेरा कहना है कि अगर ये कुछ होती वहां सुविधाएं तो कितने लोगों की जाने बच चुकी होती क्योंकि ये कैंसर तो चलो हमारी किस्मत में ऐसा पड़ा कि इसका क्योर नहीं है लेकिन देर आर मेनी कैंसर विच हैज़ क्योर ठीक है मेरी एक मौसी थी उनको भी यह कैंसर था उनका डिटेक्शन लास्ट तक नहीं हो पाया वो बेड पे ही उनका लास्ट फेज तक चली गई वो ठीक है काफ़ी सारे लोगों को तो तब पता चलता है जब स्टेज फोर आ जाता है एग्जैक्टली exactly, मेरी मौसी वो मोहल्ले में ही रहती थी पास में ही रहती थी पता ही नहीं चला उनका कुछ कुछ नहीं पता चला पहले कुछ बोल रहे थे कुछ बोल रहे थे वो कैंसर खा गया पूरा शरीर कैंसर पूरे शरीर को खा जाता है और ये मैंने देखा है तो इट इज़ लाइक मतलब ऐसा पेनफुल चीज़ है ना कि उससे आप मजबूत क्या बहुत मजबूत बन जाओगे hmm. और ये वो दौर है जब मैं वीडियो भी बनाता था हॉस्पिटल की सीढ़ियों से पार्किंग लॉट से कहीं भी खड़े होकर यूट्यूब लाइव करता था कैसे करता था बहुत लोगों ने सपोर्ट किया बहुत लोगों ने विशेज दी कई लोगों ने सामने आए बोले आप बताओ क्या चाहिए क्या हेल्प कंसल्ट किया बहुत लोगों ने किया लेकिन जब बीमारी ही ऐसी है जिसका क्योर ही नहीं है और लाइफ ही छः सात महीने है क्या क्या कितना लड़ लोगे तुम तो मैंने कहा यार ये तो जंग हार ही गया अपन तो बस वो छः सात महीने बड़े पेनफुल थे लेकिन उस टाइम पे ट्रेडिंग इसलिए करता था मैं कि लेकिन उस टाइम पे मेरी ट्रेडिंग अच्छी थी और मुझे तब भी ये एक चीज़ समझ में आई कि ट्रेडिंग पता है कब अच्छी होती है जब आप रिस्पॉन्सिबल और आप आप लाइफ का ऐसा सदमा खाते हो जो पैसे से बढ़ के और सब खाए हैं लेकिन वो रियलाइज़ नहीं करते भूल जाते या हो सकता है उनका उतना अपनत्व या वो कनेक्शन नहीं है मेरी मम्मी से मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा है आर्मी मैंने इसीलिए छोड़ी उन्होंने बोला भी था कि भाई अगर आप मतलब दोनों चले जाओगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा और आई थिंक दैट वॉज द रीजन आई वॉज देयर थ्रू आउट पिछली आउटमेंट थ्रू आउटमेंट से हुँ. मुझे तो वही लगता है क्योंकि मैंने समय बिताया और मुझे पता है देखो आज मुझे रिग्रेट होता है कि यार मैं समय और बिता सकता था हुँ. क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो बनाता था लोगों के लिए कई बार जब कोई बोलता है कि यार क्या करते हो पैसे के लिए वीडियो बनाते हो सीरियसली क्या मैं पैसे के लिए वीडियो बनाता था पैसा तो मैं ट्रेडिंग से उस साल पूरा रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया ना लेकिन मैं वो प... वीडियो इसलिए बनाता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि लोगों की क्योंकि कई क्यों लोग इंतजार करते हैं और मम्मी भी मेरी जानती थी कि उस टाइम मैं वीडियो बनाता था तो आके बैठ जाती थी मुझे वीडियो बनाते हुए देखते हुए तो मैं पूछता क्यों देख रही है मुझे हंसी आती है बोलते हुए कोई मुझे देखे तो बोले नहीं देख रहे थे कैसे बोलते हो तो मैंने वीडियो में देख लीजिएगा बोले नहीं असली में देखेंगे वीडियो में बाद में फिर देखूंगी वो मेमोरीज ही रह गई ना तो मैं बोलता था अरे आप डिस्टर्ब करती हैं जाइए यार फिर लगता है कि यार आज बैठी होती तो अच्छा रहता ना तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझाएगी बताएगी कि लाइफ में पैसे से बढ़ के बहुत कुछ है जो आपको आगे चल के खोना पड़ सकता है तो मेक श्योर sure कि पैसे को तो मत खो क्योंकि इलाज पैसे से ही हो सकता है hmm. मेरे केस में जो लगना था लगाया मैंने उन्होंने डॉक्टर्स ने भी बहुत लापरवाही काइंड kind ऑफ of की कि उन्होंने एक जेनेटिक करके टेस्ट आता है वो मुझे बहुत लास्ट में बताया उन्हें लगा सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते मैंने कहा यार ये मेरा हेडेक होता Personal ना कि आप बताते कि हाँ। आप बताते तो कि ऐसा कोई टेस्ट है ऑप्शन तो बताते उसमें है। क्या है अगर उसमें क्या है अप टू लाइफ सिक्स मंथ्स तक लोगों की एक्सटेंड हुई है अगर सही टाइम पे वो शुरू हुआ उसने मेरे को ये बताया बहुत लेट मैंने इसके टेस्ट जैसे ही उसने आया मैंने वो पीसेज होते हैं उसको भेजा बैंगलोर में लेबोरेटरी में उसने टेस्ट होते हैं पैंतालीस दिन के टेस्ट होते हैं पैतालीस दिन बाद रिजल्ट आता है पचास हजार का टेस्ट होता है और अगर वो हो जाए तो एक डेढ़ लाख की महीने की दवाई होती है थ्रू आउट ट्रीटमेंट आई वॉज पैसा बहुत लगने वाला है तो मैंने कहा कि कमाओ क्योंकि लगेगा मेहनत करो क्योंकि लगेगा पैसा क्यों कमाता है जब में? जिम्मेदारी आ जाती है तो आसान हो जाती है जिम्मेदारी आती है तो आप पैसे के लिए और सीरियस हो जाते हैं आप रिस्पेक्ट करते, करते हो आप सीरियस हो जाते हो आप अपने काम के लिए सीरियस हो जाते हो आप गलतियां कम करते हो आप रिस्क कम लेते हो आप यार अब अब बताओ ना यार मैं टेस्टिंग सेंटर के बाहर बैठा हूँ टेस्ट के लिए गई है रेडियोथेरेपी के लिए गई हैं अब देख रहा हूँ मार्केट वहीं पे लोगों की अम, अम, फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपने व्यूज़ भी दे रहा हूँ शाम को बैठा हुआ हूँ घर पे उनकी दवाई का टाइम हो गया है वीडियो बना रहा हूँ कई वीडियोज़ में लोगों ने उनको खाँसते हुए सुना उनको क्योंकि गले में जब रेडियो हो गया था तो पूरा गला जल गया था ये पूरा पूरा ऊपर से स्किन निकल गई थी उनको कई लोग वीडियो में सुना ऐसा कि खाँसते हुए भी सुना है तो इट वॉज़ पेनफुल वो खाँसती थी मेरी रात में नींद खुल जाती थी मैं तुरंत उठ के देखता था क्या हुआ क्या वो ठीक है ठीक है तो ये एक डर के साय में जिंदगी जब आ जाती है ना तो आप आप क्या उससे बड़ा डर क्या है बताओ मतलब मुझे लगता सात महीने में मैं कभी सुकून से नहीं सोया क्योंकि को मेरे से बड़ा डर क्या हो वही। तो ये चीज थी जिसने मुझे काफी हिला दिया और आज भी आई फील की आई एम अंडर दैट कहते हैं ना झटका इसलिए मैं थोड़ा भी ट्रेडिंग वेडिंग से भी और वीडियो बनाने से भी थोड़ा सा मैं दूर हो गया उसके बाद से मैं उतना वीडियो नहीं बनाया आज भी थोड़ा सा बीच में मैंने कोशिश की कि मैं बनाने लगूँ लेकिन पता नहीं मुझे अंदर से अभी नहीं आता कि मैं बहुत YouTube वीडियोस और ये सब बनाऊं बनाता हूं क्योंकि कई लोग वेट करते हैं लेकिन अंदर से जो होता है ना और यार वीडियो बनाएगा रेवेन्यू आएगा और वो कोलैबोरेशन कर ले वो कोलैबोरेशन कर ले अभी कोई कोलैब वाले आते हैं पुश करते हैं बना दे बना दे तो बना देता हूं अदरवाइज इतना नहीं अब पैसे देखो यही लगता है कि पैसे चाहिए कल को और कोई समस्या आ गई बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मेरी भाभी को जब कैंसर हुआ ये तो एक मम्मी का बताया मैंने आप सोचो कि किसी के घर में दो के, दो कैंसर पेशेंट्स हैं फॉर लास्ट थ्री इयर्स 2021-22 22 मतलब दो दो साल तो हो गए दो साल से किसी के घर में दो कैंसर पेशेंट हैं एक जा चुका है दूसरा कोमा में था दस दिन टोटल अनकॉन्शियस उससे बाहर निकल के वापस एक ज़िंदगी बनने की कोशिश कर रहा है जी रहा है अभी भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं पेट सी टी स्कैन चल रहे हैं अभी शी इज़ फाइन विथ गॉड्स ग्रेस लेकिन एक अंदर ना डर रहता है कि किसी दिन कुछ हो जाए कुछ हो जाए ऐसे ही अब उनके उन्हें जब वो आ, उसमें थी कोमा में चली गई थी वो दस दिन के लिए तो उनकी याददाश्त चली गई थी पूरी भाभी की तो उसमें थी मैदानता में आई थिंक दिल्ली में है ना मेदानता करके उसमें थी आई थिंक इट बिल वॉज़ फोर्टीन फिफ्टीन लैक फॉर टेन डेज अब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास तो पैसे ऐसे नहीं खड़े रहते कि रखे हैं भाई तो मैंने उस टाइम पे दिए थे अचानक से क्योंकि मेरे पास थे आई 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 डिन नॉट इन्वेस्ट दैट मनी दैट टाइम मैं सोचता था कैश ही सब कुछ है तो ये लगेगा ट्रीटमेंट में खर्चे में किसी के भी लग सकता है तो मैं उस टाइम पे रखा था मैंने वो हेल्प की लेकिन आज मुझे यही लगता है कि वैसी जरूरत फिर से तो आ सकती है ना उसके बाद मैंने सारे इंश्योरेंस सब ले रखे हैं लेकिन फिर भी इन द बैक ऑफ माइंड इट्स की पैसे की जरूरत ऐश से ज्यादा लाइफ इंजॉय करने से ज्यादा तब पड़ेगी और तब दर्द होगा जब ऐसी चीजों में जरूरत पड़ेगी जहाँ पे आपको जीने मरने की हालत होगी जब मुश्किलें आएगी तभी पैसा मुश्किलें खड़ा रहेगा वो पैसा कितना वैल्यूबल है तो मेरे लिए पैसा आज के समय में इट्स मोर ऑफ नेसेसिटी ज़रूरत वाली चीज़ों के लिए ना कि फैंसी के लिए कि मुझे घूमना है फिरना देख रहे हैं अपना अपना परिवार देख रहे हैं अपने गांव देख रहे हैं अपने दोस्तों से मिल रहे हैं घूम रहे हैं जा, जा पा रहे हैं जा पा रहे हैं बाकी अपना इंदौर में रहते हैं खुश हैं अच्छा शहर है क्या चाहिए उससे ज़्यादा